गांव के सतकामा के प्रधान पंडित नित्यानंद जी, मेरे घर परिवार जैसे जो हमेशा दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, और गौशाला के प्रधान भी रहे हैं रूपनगर के, और एक सरपंच मेरे जो अंकल करतार सिंह जी, हुकम सिंह जी, राजकुमार निमाणा जी, राजेंद्र जी, जीता प्रधान जी, और मेरे सामने बैठे यह ऊपर की बड़ी योद्धाओं की भूमि है, मेरे बुजुर्ग जो हमेशा मेरे को मार्गदर्शन करते हैं, और बड़े जोश के साथ जिन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरे युवा भाई और मेरी माताएं बहनें, यहाँ आंख ऊपर आने पर आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो स्वागत किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको पता है आज के दिन ये मेरे युवा साथी खड़े हैं, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में पहले नंबर पर आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से पलायन करने लगी हैं, बहुत से युवा साथी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो मैं अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले 1.5 महीने में इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में आपकी वोट की ताकत से ही आप अपनी सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, भाई दीपेंद्र हुड्डा की सरकार एक बार फिर बना सकते हो, और फिर बनाओगे तो जो ये मेरे बेरोजगार भाई खड़े हैं, इनको जो बीए पास हैं उनको 7,000 बेरोजगारी भत्ता, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 10,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो मेरे सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से ये निवेदन है कि आने वाले समय में कांग्रेस को वोट दे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। आपको पता है पिछले 5 साल में जो ये बीजेपी का राज था, आप अपने खाद के लिए गए तो पुलिस स्टेशन में आपको खाद मिला, खाद और साथ साथ जिनको खाद नहीं मिला उनको लाठियां मिली। तो ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप अपनी फसल के लिए भी कभी पटवारी के पास, जब सरसों की खरीद थी कभी पटवारी के पास, कभी गिरदार के पास, यहाँ के हमारे इसी विधानसभा से कृषि मंत्री आते हैं, कोई सूद नहीं ली, और अपनी ही फसल को बेचने के लिए आपको दर दर भटकना पड़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में एक कहावत थी कि जीरी गई जाज में, और इन्होंने आपकी फसल ही नहीं खरीदी। तो मैं अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से ये आह्वान करूंगा कि आने वाले 1.5 महीने में एक एक मेरा भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन के काम करे, और ये बादली की सीट उनकी झोली में डालने का काम करे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों को पता है 10 साल आपने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का राज देखा है, आपने अपना खुद का राज देखा है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई तो उन्होंने कहा था, ऐ किसानों, मैं तुम्हारा बिजली का बिल माफ करूंगा। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कलम से 1600 करोड़ का बिजली का बिल माफ कर दिया था। तो अब उन्होंने ये घोषणाएं की हैं कि अगर आप लोग अपनी सरकार बनाओगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चंडीगढ़ में बिठाओगे, तो बुढ़ापा पेंशन वो पहले ही दिन आते ही आपकी बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपए करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
आप लोगों को पता है कितने बड़े बड़े यहाँ पे कंपनियां आई हैं। एक भाई दीपेंद्र हुड्डा ने दिन रात मेहनत करके एम्स की सौगात आपको दी है। पूरे इंडिया के जो मरीज हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी मेहनत से, लगन से, साफ नियत से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे लाया था। इन्होंने तो, भाजपा सरकार ने तो बस फीता काटने का काम किया, फीता काट के अपने नाम काम न कर ले। तो उधर को नौजवान साथियों, आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आपने 2000 पहले से के विराज देखे हैं और 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विराज देखा है। तो अब अपनी सरकार बनाने का टाइम आ गया है, आप यहाँ से जिता के भेज दो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हर एक जगह 90 के 90 हलकों में मजबूत है। चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनेगी, सारी घोषणाएं पूरी होंगी। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारे एससी समाज के लोग हैं उनको प्लाट बांटने का काम किया था, छात्रवृत्ति दी थी, वो इस राज में सारे बंद कर दिए गए। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये याकू पर मेरे को पता है बहादुरों की भूमि है, यहीं से ही बदलाव की एक शुरुआत होती है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ कि 1.5 महीना और यहाँ से जो भी कोई प्रत्याशी आए उसको उसके हाथ मजबूत करें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें, भाई दीपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करें। और जैसा कि आपको पता है, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, एक और घोषणा की है कि 2000 रुपये हर महीने इनके खाते में आया करेंगे। इनको अपना जो रसोई का खर्चा है वो चलाने के लिए अपने जैसे घरवाले से कहना पड़ता है, 2000 रुपये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनते ही इनके खाते में डलवाएंगे। तो एक बार फिर सभी जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी हैं और मेरी माताएं बहनें हैं, यहाँ पर आने का जो इतना मान सम्मान दिया, मैं एक और विश्वास दिलाता हूँ। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, मैं एक और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी पगड़ी को, आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। तो साथियों, आपकी सरकार होगी, आपका एक, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बन जाएगी चंडीगढ़ में, जब वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो पहली कलम से ये फैसला भी करेंगे कि मेरी माताएं बहनें जो भी रोडवेज में सफर करेंगी उनका कोई किराया भाड़ा नहीं लगेगा। तो साथियों, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है वो करी है, अब समय आ गया है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप बहादुरों की भूमि है। मैं अपने सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, आप में बड़ा जोश है, बड़ी ऊर्जा है, मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि इस गुंगी और बहरी सरकार को ना कोई व्यवस्था है, दिन के दिन क्राइम बढ़ रहा है, इन सब पर अंकुश लगाने के लिए, एक सुशासन लाने के लिए और फिर से हरियाणा एक बार विकास की पटरी पर चले, फिर से हरियाणा में विकास हो, सुख शांति हो, 36 भाईचारा एक हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस को वोट दे और एक बार फिर से अपनी खुद की सरकार बनाए। जय हिंद, जय गांव आंकू पर, जय गुड़िया साहब की, जय हिंद, राम राम, जय।